तो भाई आज है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स का मैच, जो कि मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक मैच होने वाला है। दोनों टीम के जैसे प्लेयर हैं आज, जो है ना अच्छों का टीम बनाने में पसीना छोड़ जाने वाला है, ठीक है। और इतना याद रखिएगा, आज कुछ ऐसे नामी प्लेयर जिसको आप टीम में अभी भी लेकर रखे होंगे उसको आपको हटाना पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो अगर नहीं हटाने का मन है तो मत देखिए वीडियो, ठीक है, नहीं तो हटाना पड़ जाएगा। मुझे पता है, मैं जब सिलेक्शन देखा था खिलाड़ियों का, जब मैं खुद टीम बना रहा था भाई, शॉकिंग रिजल्ट, मतलब गजब गजब लोग, मतलब सिर्फ सिलेक्शन देख के धड़ाधड़ एक बार चल के आ गया, मतलब उठा के रख लिया सब। ओह भाई थोड़ा सा गलती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हार्ड हार्ड टीम है। वो चंडू पंडू वाला काम खत्म हो, एक तरफ देखिए कमजोर है, एक तरफ मजबूत है। जाहिर सी बात है, मजबूत वाले में ज़्यादा ले लो, काम हो गया, क्या कि ये लोग तो भाई जीतने वाला है, ये सच्चाई होता है इसमें। पर आज जब दोनों सही है तो आप जाहिर सी बात है कि उठा के यहाँ सबको उठा के नहीं लेके जा सकते, सिंपल तरीका है। अब कमजोर में तो कोनों को ले लो, उससे मतलब परवल ही पड़ेगा, वो है कि नहीं। तो इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, है ना। तीन चार ट्रंप ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सभी लोग टीम में तो मतलब निकाल ही दिए उसको, और लिए ऐसे को जो आके में रेगुलर चल रहे, उठा के उसको ले लिया, एक दो मैच खेला है ना, चल रहा ले लिया, जो कि गलत है वो चीज़, ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए। कम से कम चार पाँच मैच कम से कम देखो मेरे भाई, उसके बाद आप टीम में सिलेक्शन दो, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं, जो देखेगा उसके लिए मिलेगा, जो नहीं देखेगा बात ही अलग है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच मैच है, 10वां नंबर का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में मैच होगा, ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 7:30 PM कल को रात में ये मैच होने वाला, ठीक है, मतलब 8 तारीख के रात में 7 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा तैयार रहिएगा, मतलब टॉस मतलब हो जाएगा मेरा स्टार्ट का, मतलब वही होता है, हम लोग तो 7 बजे स्टार्ट होते हैं, मैच भले 7:30 बजे स्टार्ट होगा, है ना, उसके बाद हम लोग का काम खत्म हो जाता है, इसलिए बताया। चलिए वीडियो को एक लाइक ठोक ठाक दीजिए, क्योंकि स्टार्ट अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है, ये हमारा सिस्टम में लिखा गया। शुरुआत बोलो बुजुर्गन सब जो है ना देखे गया ऐसे बुढ़वन, है ना, कि ऐसा भैया स्टार्ट अच्छा कर तू। उसके बाद देखिए मैच डिटेल्स, इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपका, ना जिसको आपको ध्यान से देखना वो चीज़ बताता हूँ, जिसको स्किप करना वो भी बताता हूँ, ठीक है, हर जगह स्किप मत कीजिएगा। मैच के डिटेल्स स्किप कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट मत कीजिएगा, स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आज पछताइएगा, क्योंकि स्पिनर्स क्या मतलब आज पेसर्स भी ठीक है, मगर स्पिनर ज़्यादा ठीक है आज के दिन, ठीक है। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मतलब दोनों टीमों में कैसा कैसा क्या क्या है, ट्रेडिंग बिडिंग है सब जानेंगे। उसके बाद ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स, मतलब सारे प्लेयर्स के बारे में देखे जानेंगे, क्योंकि भाई मेरी T20 है, ज़्यादा कम में जान के आपको कोई मतलब नहीं, जानना पड़ेगा आपको, खासकर बॉलर्स, ठीक है। उसके बाद प्लेयर बैटल, मतलब कौन किसको आउट करता है, जैसे मान लीजिए ये एक बैट्समैन है, ठीक है, ये एक बॉलर है, अगर ये बॉलर तीन बॉल में है ना, तीन बॉल में दो बार इसको आउट किया है, तो मेरे भाई इसको लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, खासकर इसके सामने, मतलब दोनों को एक टीम में रखना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हाँ, ये प्लेयर बैटल में अगर हो सकता है, मान लीजिए 40 बॉल फेंक के और 50 रन दे करके एक बार इसको आउट किया है, तो इसको आप ले सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम बॉलों में ज़्यादा बार अगर वाइट आउट किया है भाई, तो फिर से आउट कर सकता है, ठीक है। इसी से खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा उससे अवॉइड, मतलब दोनों को टीम में मत लीजिएगा साथ में, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद इसकी जीएल प्लेयर्स GLSL टीम भी साथ में आपको वीडियो में ही मिल जाने वाला, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मगर हाँ इतना है कि अभी जो टीम मिलता है वो टॉस से पहले देखिए मैं देता हूँ, ठीक है। टॉस के बाद अगर मान लीजिए कौन टॉस जीता, कुछ चेंजिंग अगर उसमें आया, तो ये मैं टेलीग्राम पर अपनी टीम प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। GLSL सारा टीम जो मैं खेलता हूँ वो सब कुछ देता हूँ यहाँ पर, फ्री होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहाँ से नए लोग जो ज्वाइन जाकर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने तरीका, मोर पे क्लिक कीजिए, मोर जस्ट आपको टाइटल के नीचे दिखता होगा, उस पर क्लिक करिए, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, टेलीग्राम यहाँ पर टेलीग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जस्ट यहाँ पर ब्लू ब्लू दिखाई देगा आपको, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना करते ही आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा टीम मैं आपको दूंगा जस्ट टॉस के बाद, अपना जो मैं टीम बनाऊंगा खुद का, प्लस मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब होकर के पुराना हो जाइए, मगर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो बना कल भी आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आइए अब स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट। देखिए 110 से 120 यहाँ का एवरेज है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, 151 पे हाईएस्ट है, 69 पे 10 विकेट लोएस्ट है। लास्ट मैच इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेज बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में हुआ था, 5 अक्टूबर 2024 को ये मैच हुआ था। सुटेबल फॉर स्लो बैटिंग सरफेस इन वुमेन्स मैच के लिए, मतलब बैटिंग यहाँ का सरफेस थोड़ा सा स्लो है, बाकी स्पिनर कैन गेट मोर हेल्प, मतलब अच्छा खासा स्पिनर्स को विकेट मिल जाता है यहाँ पर। जैसे कि 8 मैच में बात करें, 57 विकेट स्पिनर्स को मिले तो 37 विकेट पेस को मिला, 37 और 57 में कितना का फर्क होता है भाई, एक बार कमेंट हो जाए तो हो जाए, जब पार्टी का मूड बन गया तो होना चाहिए ना, मारिए 37 और 57 में कितना का फर्क हुआ, हो गया क्या? अरे साहब कमेंट बॉक्स खोल लीजिए जल्दी से, टाइम थोड़ा लगता है,
दो स्पेलिंग लिखना है, मतलब दो अक्षर, सॉरी स्पेलिंग तो मान लो इंग्लिश में लिखे, दो अक्षर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो जरूर लिख के बताइएगा मेरे को, याद रहे आपको कि हाँ पेसर स्पिनर में कितना फर्क, इसलिए लिखवाता हूँ, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखिए इसमें एक चीज आपको सिमिलर दिखाई देगा, क्या चीज, 118/7, 93/7, 116/10, 119/7, कुछ दिखाई दिया आपको, हैं कुछ दिखाई दिया। नीचे देखिए आप, मतलब जवाब देने गई टीम तो चेस करने, 97/7, 94/4, 85/9, 103/7, क्या दिखाई दिया आपको इसमें। अगर मैं पूछ दूँ कमेंट बॉक्स में कि इसमें आपको क्या दिखाई दिया, इसको मैं अगर लिख के लाया हूँ, इससे क्या आपको पता चला भाई, कुछ तो समझ में आया होगा ना, हैं। जिसको समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा कमेंट में मानता हूँ, हिंदी इंग्लिश जो मन कर उसमें लिख दीजिएगा, लंबा होगा मगर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को लाता हूँ तो लोगों को दिमाग में आता है कि नहीं, ठीक है। बाकी जो नए लोग हैं जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट बॉक्स खोल लीजिएगा, मुझे पुराने वाले भरोसा है कि वो लोग आपको समझा देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका मतलब। उसके बाद टोटल मैच 14 हुआ है, बैटिंग फर्स्ट 108, बैटिंग सेकेंड 106, मतलब बैटिंग फर्स्ट वाला जीत रहा है, मगर अभी कुछ मैचों से देख करके जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बैटिंग सेकेंडे वाला मतलब हार जा रहा भाई साहब, यहाँ पर फर्स्ट वाले जीत रहे, हालांकि फर्स्ट वाला जीता भी तो सही भी है, ठीक है, मिला जुला के देखा जाता है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम भी जाना चाहिए कि सलाम खाली भाव 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 किए पड़े हैं, अरे हाँ तो बस ई कान से घुस रहा है ई कान से निकल जा रहा था, सवाल भी से पूछना हक है मेरा, पूछेंगे, याद करके बताइए आपको क्या है उसका मतलब। तो ये बैटिंग फर्स्ट, ये बैटिंग सेकंड, बेलो स्कोर 150 से नीचे बेलो का मतलब कम होता है, ठीक है, मतलब 150 से नीचे रन जो है ना 12 बार बना, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 150 से 169 दो बार बना, बस उसके बाद कोई रन यहाँ पर नहीं बना, टोटल 14 बार का मैच ही हुआ। तो ये भी कमेंट हो सकता है कि भाई आज का रन क्या हो सकता है, किसका अंदाजा सटीक लगता है, जरा एक बार देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो रिसेंट मैच, मतलब जो अभी मैच हुआ है फिलहाल में, इसमें कुछ मैच हुए जैसे 5 अक्टूबर का हुआ है, 3 अक्टूबर का हुआ है, 5 अक्टूबर 2024 है ना, 3 अक्टूबर 2024 है, ये झंडू बम लोग का आ गया यहाँ पर मैसेज, तो इसको हटाने का जुगाड़ क्या है भाई, हट जाओगे भाई, क्या बात है, तो देखिए यहाँ पर बात ये है, इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, ठीक है। इंग्लैंड बनाया 118/7, 20 ओवर में 97 रन पे, ये टाटा फिश है, 7 ओवर, ये 7 विकेट में ये भी खेली और 20 ओवर में ये बना नहीं पाई। स्पिन को फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, देखिए 5-5 विकेट मिला, ठीक है, दिख रहा है आपको। पेस की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 2, सेकेंड इनिंग में 1। अब यहाँ पर पाक और एसएल के बीच में मैच हुआ, यहाँ पर सेकेंड वाली बैटिंग करते हारी है, यहाँ 9 विकेट 20 ओवर, 20 ओवर सब खेल रहा है, ये तो सच्चाई है, दो मैचों में जहाँ तक देखे हम। बाकी इसमें देखिए स्पिन को 7 फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 7, मगर हाँ आप पेस में आएंगे तो पेस में 3-2, तो भाई अपने को रखना तो है स्पिन, दबा कर रखेंगे, मगर कौन स्पिन को रखेंगे वो चीज़ देखिए आगे आपको समझ में आएगा, वीडियो ध्यान से देखिए कैसे। देखिए 4 क्वालिटी के हमारे पास स्पिन होता है, हमारे पास का मतलब मैच में खेलते हैं, ठीक है, और 4 क्वालिटी के पेस भी होते हैं। अब मैं अगर बोल दिया आपको स्पिन ले भाई सब स्पिन को भर ले तो नहीं हो सकता ऐसा ना, ऐसे ही बहुत लोग प्रेडिक्शन देते, इसलिए बोलता हूँ ना यूनिक हमारा प्रेडिक्शन होता है, समझाता थोड़ा सा अच्छा से हूँ, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी तो समझेंगे ना। अगर मैं बोल दूँ ठीक है स्पिन को लेकर चलना है भाई, ले लीजिए जाइए, कुछ समझ में आया, 4 क्वालिटी के स्पिन दिखाई देगा, जिसको लेकर चलना हो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारा प्रेडिक्शन देखना है थोड़ा सा, देखिए आगे दिखाता हूँ। इसमें आइए एसएल और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ, इसमें देखिए 93 ये 94 ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम थी, जाहिर सी बात है, मैं जो स्टार्ट किया था वीडियो में बोला एक कमजोर एक मजबूत में हो तो समझ में आता है, मैं जब दोनों टक्कर का हो तो फिर तो भाई बस के बाहर जाता है भाई। देखिए स्पिन और पेस का, फिर यहाँ पर देखिए स्पिन और पेस का रेशियो दिखाई दे रही है आपको। अब इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीन शॉट, चले हर समय स्पिन अच्छा लिया है, पेस भी लिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर स्पिन अच्छा लिया है, ठीक है। चलिए अब उन दोनों को खोजते हैं, कौन है पेस और कौन है स्पिन जो अच्छा लेता है। टोटल मैच 50 हुआ, 28 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, 21 मैच न्यूजीलैंड जीता, 1 मैच टाई हो गया था, तो दोनों में ज़्यादा तो फर्क नहीं है, मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मैं आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर, आप किसको कर रहे हो, किसी न किसी को सपोर्ट करते होंगे ना, हैं, चाहे न्यूजीलैंड चाहे ऑस्ट्रेलिया, बताइए ऐसे थोड़े वहाँ दिल में सोच ले हमको सुनाई दे देगा, बहुत कम सुनाई देता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए तब देखता हूँ किसकी बात निकलती है सही, ठीक है, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, पढ़ूंगा आपका कमेंट में। उसके बाद देखिए जो बता रहा था मैं 8 मैच, डायरेक्ट मैं 8 मैच की बात कर रहा हूँ, 1 मैच करता तो गलत हो सकता था, 2 मैच गलत, 3 मैच गलत, 4 मैच, 5 मैच, 6 मत गलत हो सकता है, मैं जब 8 मैच की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप के यहाँ पर हुआ तो 8 तो गलत नहीं हो सकता है। आइए दिखाता हूँ, राइट आर्म फास्ट, एक को भी विकेट इसको नहीं मिला,
समझे, अगर राइट आर्म फास्ट आर्म का बॉलर कोई दिखता हो आपको तो आप बिल्कुल उसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक को विकेट उसको मिला ही नहीं, आठ मैच खेला भाई नहीं मिला, ठीक है। राइट आर्म फास्ट मीडियम नाम का बॉलर है तो इसको 14 विकेट मिला, राइट आर्म मीडियम नाम का बॉलर है तो इसको 19 विकेट मिला, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम तो इसको 4 विकेट मिला। अब आइए स्पिन में, मैं बोला था ना कि स्पिन लेके जाइए, किसको लेके जाएंगे स्पिन में, आप लेग ब्रेक को लेके जाते हैं तो इनको 11 विकेट मिला, चाइना मैन को लेके जाते हैं तो इनको 0 विकेट मिला, ऑर्थोडॉक्स को लेके जाते हैं तो 25 विकेट मिला, ऑफ ब्रेक को लेके जाते हैं तो 21 विकेट मिला, ठीक है। बात समझ में आई तो ठोक दीजिए 100 लाइक, प्लस में ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। ये होता है भाई अपना यूनिक डाटा, लाता होगा कोई ऐसा यार, हाँ लाता है कि नहीं कोई बताइए तो कमेंट कर जैसे हम भी किसी के डाटा ऐसे देखते हैं कि भाई स्पिन तो बता दिया लेता है विकेट, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग जैसे हम बता वो भी बता दिया, मगर कौन स्पिन बताता है कोई, एक आध दो चैनल का नाम हमको भी लिखिएगा, हम भी जानना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए फ्री 25% एक्स्ट्रा, 25% की वैल्यू पता है कितना होता है, आज बैंक गए थे भाई सेविंग में जानते कितना देता है 2%, कितना रख लिया 2% बस बढ़ेगा, वो भी क्वार्टरली था शायद, हाँ 3 महीना या 6 महीना का था सेट का, तो बस उतना में 3 महीना सॉरी, ठीक है 3 महीना में आपको 2% मिलेगा जितना रखिए। और यहाँ कहाँ है 25% एक्स्ट्रा, गेट 25 डाल के आज जो बंदा डिपॉजिट करेगा ना, फर्स्ट डिपॉजिट जो करेगा उसको सीधा 25% यहाँ पर मिलेगा, मतलब यार 10,000 रुपये जैसे मान लीजिए कोई रखा है यहाँ फैंटेसी खेलना है, ये है पता ही है सबको, तो एक ही बार ले आओ, खुचुर लाने से अच्छा है कि एक ही बार ले आओ भाई, सीधा 10,000 लगाओ, गेट 25 डालो, फर्स्ट वाले बता रहा हूँ मैं, ठीक है गेट 25 डालो यहाँ पर कोड, उसके बाद सीधा 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल गया, मतलब कि भाई 12,500 रुपये आपके बन के रेडी हो गए तुरंत भर में, और वहाँ कितना 2% दे रहे थे बैंक वाले, तो ठीक ना है भाई यहीं पर ना, जब खेलना है तब, और नहीं खेलना है तो फिर मत करो, क्या दिक्कत है, मैं खेलना है तो एक ही बार लाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में स्पोर्ट्स बाजी का दे दे हूँ, जाके मार दो भाई, हाँ तो मौका अच्छा है। इसमें खेलने का एक और फायदा क्या है भाई, TDS GST सब ये भरेगा, रसीद का नहीं, इस ब्रांड स्पोर्ट्स बाजी ब्रांड भरेगी, कोई आपको देने की जरूरत नहीं है, जिसमें होता है जीत गया भाई तो भाई 30 लाख कटेगा आपका TDS, 70 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, है ना, इधर ऐसा नहीं है, इधर जितना जीतेंगे सब आपके अकाउंट में जाएगा, और अकाउंट में जाने का टाइमिंग भी 5 से 7 मिनट, क्योंकि हमको 2.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे जान, हैं मुझे पता है सब कितना कैसे कहाँ कहाँ होता है, ठीक इस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 7 मिनट में अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है, यूनियन बैंक में मैं लेता हूँ पैसा, ठीक है, बाकी अदर का हो सकता है थोड़ा टाइम लगे या और भी फास्ट हो, मैं यूनियन का मुझे पता है कि भाई 5 से 7 मिनट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करके खेलिए, प्लस फर्स्ट डिपॉजिट मारिए दबा के साले को जितना हो सके, 25% लेना है, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा 25%, कम मिलेगा फिर, या नहीं भी मिले जो आप डाल रहे हो उतना ही मिले, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मौका मत गवाइएगा। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का पॉसिबल लाइनअप है, काफ़ी तगड़ा है सब, है ना, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, नहीं फिर से घसका लीजिए, आराम से घसकाइए मगर, ठीक है। अब देखिए समझिए, बैट मोनी लिया था ना पिछली बार, याद है कि नहीं, देखा यहाँ 43 रन नवाज ठोक ठाक के गए थे, बाकी इसका कुछ भी नहीं था, तो पिछली बार बताया था ना, जो कि इसका बहुत सिलेक्शन परसेंट कम हो गया था, काहे भाई लोग डाटा दिखा रहे भाई ऐसा, हमारे डाटा गया आटा लेने छोड़, मगर ये बेतमुनी है कैसे 40 कैमरेज ऐसे ही नहीं है, ये दहेज में नहीं भेजा इसका बाप, हाँ भाई मारी है बनाई है तब, हाँ वो बात अलग है कि 8-8 में 18 है आज, ठीक है। और ग्राउंड पे 43 खेली है, फर्स्ट बार खेली थी ग्राउंड में, खेलवे नहीं किए थे, समझे। आज क्या करना है, जो कि 88% लोग अभी लगे लेने, पिछला मैच देखिए उठा कितना परसेंट था इसका, ठीक है। 24 फर्स्ट इनिंग में 8-8 मारी है, सेकेंड इनिंग में 13 सॉरी, और इस ग्राउंड पे सेकेंड इनिंग में 13 नवादे इसका। उसके बाद यहाँ पर LC हिली की बात करें तो हिली देखिए यहाँ पर 25 है, उसके 27 मैचों में 23 के एवरेज है, मतलब ये सब समझ में आ रहा आपको ना, मतलब ये 25 क्या है, जैसे 160 मैच T20 खेला है टोटली, अब सबके बारे में ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। 160 खेली है, 2,991 रन बना पाई टोटल, 25 रन एवरेज मिनिमम हम लोग लेकर चलते हैं, एक मैच में कितना बनना है तो 25, ठीक है। उसके बाद 27 मैच हेड टू हेड खेली है, 546 रन बनाइए, 23 के एवरेज है, बाकी ग्राउंड पे एक मैच खेल के 4 रन और 4 का ही एवरेज है, 4 यही बनाई थी, बाकी 37, 38, 17 और 45 अभी इसका सिलेक्शन परसेंट आ गया, उस समय इसका कम था इसका ज़्यादा था, आज इसका कम हो गया इसका ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, लोग उगता सूरज को ज़्यादा नमस्कार ही कर रहे हैं, डूबता कोई पूछ ही नहीं रहा है, हालांकि गलत है, कल फिर वही उगेगा, ये चीज़ सोचना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो आज क्या है 22-23, देखिए इसका अगर देखें 24 और 13 इसका 22-23 हर समय मतलब अच्छा है, ठीक है। एक मई में 4 रन यहाँ पर बनाए थे बस, तो आज मैं उल्टा कर देने वाला हूँ, ठीक है। आज है बेतमुनी को छोड़ कर इसे को मैं लेकर चलने वाला हूँ, आप बताइए, अरे पगला गया क्या, इसे सोचते हो मन में, आप पगले हैं, पागल है इतिहास रचता है बाबू,
जीएल जितना कोनो पागल से कम नहीं है, वह इतिहास रचा, बाकी चला कौन सब हिसाब किताब में लगल रहता है सब। हाँ हाँ ठीक है, उसी को लेकर चलने का। ओके हाँ, जब मैं मल्टीपल टीम बनाऊंगा, टीम अगर 2 से 3 में बनाया, हो सकता है मैं बनाऊंगा भी, ठीक है, तब उसमें आपको वो दिखाई दे देगा, और वो दिखाई देगा तो आप भी बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें, हैं पैसा कमी है नहीं, स्पोर्ट्स बाजी डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी पैसा कमी नहीं होगा, ठीक है। इल्सी पेरी, पेरी की बात करें तो पेरी भी देखिए यहाँ पर 126 विकेट साथ में ली है, हालांकि 20 विकेट साथ में, अच्छा राइट आर्म फास्ट मीडियम में 17 36 34 8 8 पे एक विकेट, 78% पेरी को लिया है साहब, 13 विकेट 8 मैचों में 163, 10 मैचों में 102 रन है भाई साहब। पेरी इसे कैसे हो सकता है, अभी पेरी को हम शट डाउन रखेंगे, ठीक है, अभी मैं तो शट डाउन मतलब अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस में है, मान लीजिए अभी फिक्स नहीं है लेना है कि नहीं, क्यों नहीं ऐसा फिक्स है, क्योंकि देखिए बॉलिंग करे तो बहुत अच्छी बात होती है, ले लो भाई साहब, कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी बन जाएगा, मैं जब बॉलिंग नहीं कर रही है, अब खासकर यहाँ हम देख रहे हैं 18 मैचों में 263 रन और प्लस में 10 मैचों में 102 रन, कितना हुआ एवरेज इसका, जोड़िएगा तो थोड़ा सा मालिक जोड़ के बताइएगा थोड़ा सा हमको, कितना हुआ इसका एवरेज, ठीक है। उसके बाद गार्डनर की बारी आती है, गार्डनर देखिए बॉलिंग कर रही है और ब्रेक भी है, अब ब्रेक को विकेट भी मिल रहा है, प्लस में इसका अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म भी अभी ठीक ठाक, कहीं से भी मतलब कम नहीं है, 97% फिर भी ज़्यादा ही है, खैर कोई बात नहीं, लेके चलना अपने को, ठीक है, क्योंकि 16 मैचों में 302 रन और 14 विकेट है साथ में, है ना, खैर दोनों का चट्टा पट्टा दिखाई दे रहा है लगभग में, मगर ज़्यादातर अश्विन गार्डनर को ही ट्राई करना सही, क्योंकि ऑफ ब्रेक है, इस जगह विकेट मिलता है ऑफ ब्रेक को, ठीक है। और ये फर्स्ट इनिंग में एक विकेट, सेकेंड में 12 रन मारे थे, 8 मैचों में 5 विकेट है इसको फर्स्ट इनिंग में, 8 मैचों में 9 विकेट है सेकेंड इनिंग में, सेकेंड इनिंग ज़्यादा विकेट इनको मिलता है, समझ में आ रहा है, इसको फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलता है, ये चीज़ें होती है, मतलब इसका फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग मतलब होता है, कुछ बॉलर्स को देखिए नया पिच जब होता है तो विकेट अच्छा मिलता है, जब फर्स्ट इनिंग खेल लेते हो नया पिच है, जाहिर सी बात है पहला खेल रहा है, उसके बाद पिच होता है स्लो हो जाता है, तो हो सकता है इसको विकेट कम मिलता हो, इसको जब पिच स्लो होने पे सेकंड इनिंग में इसको विकेट मिलता हो, 8 में 9 8 में 5 8 में 13 10 में 7, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि मतलब फर्स्ट इनिंग है तो ये, ऐसा कुछ बात नहीं, पिच के हिसाब से कुछ कुछ बॉलरों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए गार्डनर अभी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोब है, इसकी बात करें तो 3 मैचों में 77 नबाद, मतलब कि नबाद पर ही ज़्यादा, देखिए 9 नबादे थे, 5 है 8 है, इसके पास प्रतिभा है सब कुछ है, मगर खेलने का मौका नहीं मिल रहा, ओवरऑल 40 का एवरेज है इसके पास, ठीक है, क्योंकि ये नबाद पर ही ज़्यादा खेल पाती है, 9% टीम में लिया है सब, क्या यार। चलिए फोबे को लेते हैं, हम लेते हैं फोबे को अपनी टीम में, ठीक है, आज देते हैं सिलेक्शन, 9% है ना, चल भाई आज देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अब यहाँ पर जी गोर्जिया की बात करें तो ये बार हम जो है ना 13 17 1 1 लेग ब्रेक 3 में 1, अरे वाह क्या बात है, 26 में 2 9 में 1 26 में 1 4 में 2 86%, क्या बात है यार, हर दिन कुछ ना कुछ विकेट लिए ना, है लेग ब्रेक है मगर, है ना, चलिए ठीक है, 13 में 17 विकेट भी तो लिए ना, तो अच्छा मतलब निकाल के देने वाले, प्लस में बैटिंग भी थोड़ा कर ले तो अच्छी बात है भाई, है ना, वो हो जाएगा। उसके बाद आता है ताइला अंसिगत, इसकी बात करें तो ये 46 मैचों में 17 विकेट हजम नहीं हुआ रे बाबा, है 46 मैचों में 17 विकेट का ही है, मैं 981 रन कुछ है और 5 मैच खेल के 61 रन बनाइए, 2 विकेट साथ में लिया, अभी छोड़िए हटाइए, 8% लोग टीम में लिया इसको, तो अभी मेरे हिसाब से ताइला को लेना अच्छा नहीं, हाँ ताइला ये अगर ट्रंप कार्ड प्लेयर है अलग से, मतलब सिस्टम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब सोच से हट के है, कभी कभी बड़ा लंबा इनिंग खेलती है मगर ज़्यादातर नहीं, ठीक है, इसलिए अभी छोड़ देंगे। अनाबल सतरलैंड, इसकी बात करें सतरलैंड की, 35 में 20 3 में 4 1 में 0 कुछ भी नहीं मिला, इसको राइट आर्म मीडियम है ये, 19% टीम में लिया है सब, 2 में 3 1 में 1 3 में 4 विकेट 0 2 1 1 1 आज लीजिए इसको, राइट आर्म मीडियम है, हालांकि पिछले बार मैं खुद मना किया, मैं इस बार लेने को मूड कर रहा मेरा, क्योंकि थोड़ा सा राइट आर्म मीडियम, हालांकि विकेट मुश्किल है मिलना मेरे पता, आज थोड़ा सा लेके चलते हैं, क्योंकि 3 में 4 विकेट लिया ना भाई, लेके चलते हैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ तक इसको बैटिंग भी मिल जाए आज, क्योंकि विकेट गिरने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें शॉफी म्यूलिक्स, तो म्यूलिक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पिछला बार भी लिया, आज भी लेने का, 2 विकेट लिया ना, 10 में 9 विकेट 34 में 36 विकेट है ना, बाकी 1-1 0 84% टीम में लिया म्यूलिक्स को, ठीक है आज फिर से लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर डार्सी की बात करते, ये 4 मैचों में 3 1 में 0 0 1 0 2 0 5% डार्सी, अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद बारी आता है स्कॉट मैगन, स्कॉट इसकी बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट है ये, 3 विकेट लेके गए थे भाई साहब पिछला मैच में, थोड़ा सा कमजोरी रहा होगा टीम का, मिल गया होगा मगर आज थोड़ा सा मुश्किलात लग रहे हैं, मगर हेड टू हेड देखे तो 19 मैचों में 24 विकेट लेके गई है, लगभग वो ठीक ठाक है, मैं 93% सफिशेंट नहीं भाई, इतना भी मत जाओ यार। हाँ सेकेंड इनिंग में 15
9 में 15 विकेट लिए, तो चलो ठीक है सेकेंड ट्राई मारेंगे, कहाँ करेंगे तब, ठीक है ना सेकेंड ही ट्राई मारेंगे। उस दिन थोड़ा सा कमजोर टीम था इसलिए माना, मगर भाई आज थोड़ा सा मुश्किल है मेगन स्क्वाड पे, है ना। 93% हजम नहीं होता हमको, मगर कोई बात नहीं, एक टीम में लेके एक टीम में धीरे से छोड़ देंगे। आप ये लेके बर्बाद रहो तो लोग ऐसा मतलब जो लिया है उसके लिए, है ना, देखा जाएगा उसमें। बाकी टेलीग्राम पे ही संपर्क होगा आपसे, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ये है बेंच के प्लेयर्स। ओके ऑफ ब्रेक है ना, ग्रेस हैरिस आती है तो लेने के लायक होगी ऑफ ब्रेक में, बाकी और तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को इधर में। उसके बाद आता है नंबर इन सबके बॉलिंग का, मतलब कौन कब बॉलिंग करता है ना ये भी जानना जरूरी है। जैसे स्कॉट यहाँ पर क्या फर्स्ट में बॉलिंग करेगी, मेगन स्कॉट ठीक है पावर प्ले में, गार्डनर भी है और उसके बाद ब्राउन, ओह आरजे ब्राउन है ठीक है, ये क्या है पावर प्ले में करेगी, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग ओवर, क्या है पावर प्ले। उसके बाद देखिए डेथ में मिलिक्स वैराम है सदरलैंड है, उसके बाद स्कॉट, इसका एक स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए आप, कमाल की चीज़ है ये, जो लगाता है टीम ने जो बनाता है ना उसको पता चलता है। कल एक तो बंदा कमेंट किया भैया स्पोर्ट्स बाजी में पहली बार आप बताया, दो दिन तो खेले हुए 46,000 रुपये मैच जीत गया, कितना मतलब दिल को खुशी हुआ मुझे, क्या बात है, ऐसे ऐसे बंदे चाहिए ना। आप लोग को बिचली बताता हूँ ठीक है, ट्राई कीजिए मज़ा है उसमें भाई, उसमें सिर्फ टीम नहीं बहुत चीज़ें दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद देखिए प्लेयर बैटल, मतलब बेथ मुनी को आउट करेगा, कौन कौन है यहाँ पर दिख रहा है, ता हु हु चार बार आउट किया, हु करके सबको दो बार इसको आउट किए भाई, क्या बात है भाई, हिली 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 ता हु चार बार इसको भी आउट किए, हु क्वेश्चन है भाई, हु कौन बात, चला हु के देखते हैं पहले, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, कौन कितना बार किसको आउट किया है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा ठीक है। हो गया स्क्रीन शॉट, खटाक से लिया गया थोड़ा सा खटाक से एकदम। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ओ ये है भाई स्पोर्ट्स बाय देखिए 0 रुपये में फ्री 5,000 बताया था ना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट करिए। बाकी देखिए सवाल का जवाब देख रहे, यही एक बंदा था जो खेला था वो चीज तो बताया भैया हम 2 दिन में 46,000 रुपये जीते, अच्छा लगा आपको, मैं स्क्रीन शेयर भी सेंड कर दूंगा है ना उसका कमेंट ठीक है, देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, तो दिल को खुश होता थोड़ा सा। बाकी आप लोग भी जीत सकते हैं, टॉस विनिंग टीम विल ओपिटी टू बैट या बॉल, क्या लगता है आपको लगा दीजिए, जैसे हम देखिए लगा दिए ना यहाँ पर देखिए 43,083 रुपये लगा दिए ठीक है, आएगा कितना 51,290 रुपये जीत गया मैं भी यहाँ पर, एक और है 19,827 लगा दिया, 36,050 रुपये मेरे को आएगा। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपके पास कैपिटल है, हम लोग का ऐसी में से जितने ऐसी में लगाना काम है भाई ठीक है, और 2 पैसा यूट्यूब से आएगा तो उससे थोड़ा सा और चलो भाई बढ़ गया अपना काम ठीक है ना, ऐसा होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जो आपके बस में है उतना ही लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा, मगर हाँ लगाइएगा वही जो सवाल आपको वाकई में कन्फर्म लगे। जब फैंटेसी खेल रहे मेरे भाई 100 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, 100 में से 2 सवाल का जवाब आपको सही आएगा ना उसी में लगाइएगा, 98 सवाल को आप भूल जाइएगा क्या है क्या नहीं ठीक है, अच्छा खासा पैसा आप रिटर्न कमा सकते। जब हम सलाह 43,044,19,000 रुपये एक एक मैच का लगा सकते तो आप क्यों लगा सकते भाई, लगा ट्राई कीजिए। बाकी देखिए अगर विश्वास की बात है तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, 2.5 साल से मैं खेल रहा हूँ इस पर, मुझे पता है सब कुछ सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, इसका एक स्क्रीन शॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे आगे बढ़ाइबे करेंगे ठीक है, हमारा गाड़ी थोड़ा सा बढ़ता है। अब यहाँ पर सूजी बैट्स की बात करें, देखिए 30, 22, 61, 27, 19, 34, 33, 16 ये ना हुआ ओपनर है, फाड़ दिया इधर किसी जगह पर, इसी ग्राउंड पर 3 मैच खेल के फाड़ा है, 70% टीम मिली है, 24, 20, 117 नवाद फर्स्ट इनिंग, बाकी एक इनिंग में 6, मतलब फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल के गई है ठीक है। तो भाई बीट्स को कल फिर लेने वाले हैं, हाँ देंगे, मगर वही चीज़ है जो मैं बताया स्टार्टिंग ओवर बताया था ना, अरे ऑस्ट्रेलिया का भी किसको बताया मैं, पावर प्ले ये 3 लोग मिल के करेगा, कौन कौन था उसमें, उन तीनों में से किसी एक को हटा दीजिएगा फिर, जैसे मैं बताया टीम में ना हटा करके उसे ही लीजिएगा, नहीं तीनों को ले लिया और इसको भी कहा भैया कहा करवा रहे हैं आप ठीक है ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। राउंड पे इसका बहुत अच्छा भाई, 3 मैच में 123 शायद मेरे हिसाब से किसी का नहीं होगा इसका इसका। उसके बाद यहाँ पर प्लेमर की बात करें 13, 22 यहाँ पर 34, 53, 9, 11, 8 33% टीम में लिया सर फर्स्ट इनिंग में, 27 सेकंड इनिंग में 9, इसको भी फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा और करके ट्राई करना पड़ेगा, जैसे एक मिस को लिए एक मिस को लिए ऐसे करके आप ट्राई करें, दोनों को एक जगह रख के लेके चलना अच्छा नहीं होगा ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा तगड़े हैं, हालांकि खेलती है 22 का एवरेज कम नहीं होता है 2 मगर फिर भी और खोल का ठीक है। एमेलिया केयर जो कि 13 पे 1 विकेट पिछला मैच में 30% लोग भाई इसको कैप्टन दिया था भाई, 30% कुछ कहलाता है ना, 16 मैचों में 16 विकेट इसके पास है, 2, 11 रन है, बाकी 2 मैच में 2 विकेट ग्राउंड पर इस ग्राउंड पर लिए है ठीक है, 96% टीम में लिया है सर, लेग ब्रेक है ये, लेग ब्रेक है तो जैसे पिछला बार मान लीजिए 7 में 10, 9 में 6 लेग ब्रेक है भाई एमेलिया केयर, सोफी डिवाइन ये ठीक है डिवाइन को लेकर चलेंगे, 57 नवाद ठोक ठाक के गए थे ना, 17 मैच में 17 विकेट भी अगर मिला तो ले लेगी, बाकी 3 मैच में 1 विकेट है, बाकी 117 रन यहाँ पर ठोकी है, 93% टीम में लिया है सब, इसको ठीक है ये लेके चल सकते हैं।
ठीक है, एमेलिया कर को अभी नहीं लेंगे, हाँ लेंगे कब जब मल्टीपल टीम हमारे पास होगा ना, उसमें एमेलिया कर को ले लेंगे, सोपी डिवाइन को हटा देंगे, मतलब ऐसा करेंगे हम, क्योंकि दोनों साइड से दोनों पावरफुल एकदम फाइट होने वाला है, छोड़ेगा नहीं सब। उसके बाद आता है यहाँ पर ब्रॉकी, ब्रॉकी में भाई 6 में 3 16 1 2 1 25 0 8% 4 में 2 2 में 1 विकेट। अभी छोड़िए इसको, ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है, 4 36 मैचों में 311 4 विकेट है खाली बस, है ना। और भाई उसके बाद ग्रीन की बात आती है तो ग्रीन 101 में 16 20 13 3 12% 11 मैचों में 116 9 मैचों में 127। मज़ा नहीं आ रहा भाई, मैं फिर भी इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है 8% और 12% है ना, इन दोनों में से किसी एक को मेरे हिसाब से इसी को ले लीजिए भाई, ब्रोके हेल्डी को इसी को ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आता हूँ यहाँ पर गजी, तो ये है 13 14 2%, चलिए छोड़िए अभी इसको। उसके बाद आता है रोसमेरी, तो इसकी बात करें 47% टीम ने लिया, सब 7 मैचों में 2 विकेट है 4 0 1 1 1 0 4 में 2 3 में 1 राइट एम मीडियम को विकेट मिला है ना यहाँ पर ना, लेकर चल सकते हैं, ठीक है। राइट एम मीडियम को विकेट मिला तब एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें जैसकेर केयर को, तो मतलब राइट एम मीडियम ये भी है, मगर इसको विकेट अभी नहीं मिला है, 6 में 4 विकेट 36 में 18 7% टीम में लिया, सब 4 में 2 2 में 2 इसको टीम में लीजिएगा इस बार। उसके बाद हु राइट एम मीडियम हु देखिए 3 विकेट जो है ना लेकर के आ रही, 1 में 1 विकेट इस ग्राउंड पर यहाँ पर मिला है, 17 में 18 विकेट 85% टीम में लिया सब, ठीक है 9 में 10 8 में 8 चलिए ठीक है। हु का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए लेकर चलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि इसका बहुत दमदार बॉलिंग है, ठीक है ना। उसके बाद करसन की बात करें तो ये 3 में 3 26 से 32 विकेट, देखिए बॉलिंग मेरे हिसाब से बहुत चलने वाला भाई, 41% मेरे हिसाब से आज के दिन में, देखिए ओवरऑल आप देखिए 150 से नीचे कितना ओवर बना है, 12 बार रन बना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज बॉलिंग ही कम से कम 6 लोग कम से कम 6 बॉलर लेके चलेंगे, अब उसमें हो सकता है मिक्स कर देवें ऑलराउंडर मिला करके, ठीक है 6 अगर ऑलराउंडर मिल के चलते 8 भी जाया जा सकता है, 2 या 3 सिर्फ बैट्समैन उठा के लेंगे, बाकी ऑलराउंडर और बॉलर मिला करके 8 को, ठीक है तब जाके मजा आया, क्योंकि विकेट कितना गिर रहा है 7 9 7 9 विकेट यहाँ पर जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये भी हमारे टीम में होने वाले, क्योंकि ये ऑफ ब्रेक है, अच्छा विकेट इसको मिल सकता है, बेंच प्लेयर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए स्टार्टिंग कौन करेगा, जैसकेर है, करसन है, और ये मायर है ना, रोजमेरी। उसके बाद ये डेथ में हु है, केयर है, रोजमेरी और जैसकेर है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी देखिए अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, मल्टीपल टीम आपको बिल्कुल मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये स्कर्ट, इसको 3 बार आउट किया है, कौन है, मेगन स्कर्ट, दिखा 5 बार कौन किया, पेरी आउट किया भाई, अरे भाई कमाल है भाई, अगर मैं पेरी को लेने वाला जिस टीम में उसमें इसको हटा देंगे, अगर मान लीजिए बॉलिंग दिया सब, तब बॉलिंग अलग दे नहीं रहा सब, देगा तो मज़ा आ जाने वाला भाई, 65 बॉलों में 82 रन देकर 5 बार आउट करना बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, गार्डनर है यहाँ पर है ना, म्यूलिक्स है, ले सकते हैं इसका स्क्रीन शॉट, बहुत लोग को आउट किया है भाई, ठीक है, सोफी डिवाइन को तो बहुत लोग आउट किया भाई, इसके पास वो दम है ना भाई, बहुत कम 33 से कितना बॉल में एक बार सुने थे हम, पिछला मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को, काफी 2 साल के पीछे का बात है, 100 रन पहुँचा दी थी भाई, ठीक है, बहुत दमदार मारती है, मगर वो मूड बनना चाहिए, इसीलिए लेकर चलना, उसको जब भी लेने का आप जो है ना उसको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जरूर दीजिएगा। ये है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, मैं खुद वहाँ पर टीम अपना बना के आपको शेयर करूँगा, ठीक है। ए तू यहाँ रहे बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ब्रोके है, सदरलैंड है, और जैसकेर है, और ये डार्सी ब्राउन है, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर आज के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन होगा वो तो आपको कन्फर्म करना, बाकी मेरा काम है चारों को लगा देना, 4 में से 2 या 3 प्लेयर आज आने वाले, मैं बोला जैसे ना कुछ है नामी प्लेयर जिसको आपको हटाना पड़ेगा, कुछ बिना नामी प्लेयर है उसको आपको टीम में लेना पड़ेगा, जो कि मैं पूरा का पूरा खोल के बता दिया वीडियो में, जो भगा भगा देखा वो फिर से जाकर देखिए, ठीक है। दोबारा मेहनत सेफ सीबीसी, असलन गार्डन, अमेलिया केयर, ओएलसी पेरी, ये सोफी डिवाइन, सेफ सीबीसी बन के जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग टीम में लेके जा रहे हैं। चलिए वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा यार, एक लाइक नहीं होगा तो कर लीजिएगा, मेहनत है भाई इसके पीछे, ठीक है, जरूर उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपसे दुआ है, ऊपर वाले से दुआ है कि भाई आपको भी सफलता दिलाया जाए जिस भी काम में आप लगे हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रोनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए फिर, ओके टाटा बाय।